भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। अभी एक हमारी धर्म संस्था के एक महंत श्री ने मुझे पूछा, हम अकेले बैठे थे, मुझे पूछा, बापू वासना का नाश भजन से होता है कि योगा से होता है? मैं चुप रहा। मेरे पर बहुत आपकी आत्मीयता थी एक धर्म जगत की व्यक्ति की। उसके स्थान में हम बैठे थे, वो पूछ रहे, बापू अकेले बैठे तो इतना पूछ लो, वासना का नाश भजन से होगा, कामना का अश भजन से होगा कि योगा से होगा? मैंने कहा योगा का मुझे अनुभव नहीं, मैं योग का मार्गी नहीं हूं। योग बहुत अद्भुत वस्तु है। भगवान पतंजलि का एक बहुत बड़ा, क्या कहूं, परम दान है योग। और उसी परंपरा में कई योगियों ने योग विश्व को दिया, और वर्तमान पूज्यपाद बाबा रामदेव जी और कई महापुरुष। मैंने कहा कि महाराज जी ये योग मेरा मार्ग नहीं, तो मैं उसमें कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता, मेरी रुचि भी नहीं। हाँ, तो रामदेव बाबा को मैंने बोल दिया तो मैं सुबह सुबह ऐसा कर लेता हूँ, मुझे आता नहीं। फिर मैंने तलगा जड़म बोल दिया कि बोलो हम भी करेंगे, तो कभी भी सुबह में करूँ, जब याद आ 24 घंटे में याद तो आ जाता है, तो 3 बार कर लेते तो दिया वचन ठीक हो जाए। वरना रामधारी सिंह बाबा कहते हैं कि दिया हुआ वचन तोड़े वो नरक में नहीं जाता, नरक में ही होता है। कर लेता, अंग्रेजी बोलने वाले जैसे कंधे ऐसे उछालते वैसे कर लेता। मैंने कहा महाराज जी मेरा योगा मेरी समझ में है क्रमशः वासना हमारे जीवन से मुक्ति चाहेगी कि हम जाना चाहती है, और वो उपाय है केवल भजन, केवल भजन। प्रमाण, मेरा वचन आदर्श नहीं हो सकता, मेरा वचन प्रमाण नहीं हो सकता, मुझे प्रमाण तो यहां से खोजना, अनुभव मेरा हो सकता है, प्रमाण तो शास्त्रों से लेना पड़ता है। यद्यपि अंतःकरण की प्रवृत्ति सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। राम भजन बिनु मीत रीति, राम भजन का मत अनुभव में ठीक लग रहा है। राम भजन बिना, राम भजन माने जिसको आप भजते हो, मेरा कोई आग्रह नहीं कि राम कृष्ण शिव दुर्गा, अरे कोई बुद्ध को भजो, महावीर को भजो, अल्लाह को भजो, जिसको भजना भजो, सभी सयाने एक मत, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक। भजन बिना काम नहीं मिटता साहब, बीज को पनपने के लिए, बीज को वृक्ष होने के लिए धरा चाहिए, भूमि चाहिए, भूमि ना हो तो बीज कभी पनपता नहीं। वैसे राम भजन बिना काम मिटता नहीं। मैंने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है महाराज जी, योग के हमें पता नहीं, थोड़ा जल्दी में थे हम लोग, फिर बोले कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, हम निकल गए।
जो गाड़ी चालक था उसने मुझे पूछा कि बापू अंदर आप बैठे थे, आपने क्या बात की? मैंने कहा तुझे जानने की क्या जरूरत है, तू गाड़ी चला? बोले नहीं, बड़ा विनोदी था। उसने कहा कि नहीं बापू, कुछ बात तो की होगी। मैंने कहा हमारे से ये बात हुई कि वासना कैसे मिटे, योग से या भजन से। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरा कहना क्या, मुझे लगता है कि हरी भजने से फायदा हो सकता है।